दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का कल पहला सत्र हो गया। हरियाणा के सभी विधायकों ने, जो हरियाणा के विधायक हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष, एक विधानसभा के उपाध्यक्ष और बाकी हरियाणा के 88 विधायक यानी कि टोटल 90 विधायक मंडल, सभी ने अपनी ओथ ले ली, शपथ ले ली। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान ने सभी को शपथ दिलाई। सभी विधायकों को शपथ दिलाने के बाद में चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का। हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया हरविंदर सिंह कल्याण को और उपाध्यक्ष बने डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। अध्यक्ष चुने गए हरविंदर कल्याण को बेंच पर, यानी कि जो आसन होता है सभापति का, कुर्सी स्पीकर की, उस कुर्सी तक नायब सिंह सैनी और प्रोटेम स्पीकर, जिन पर एक विवाद है, बहस है, चर्चा है, प्रोटेम स्पीकर और या फिर एक्टिव स्पीकर, इसको लेकर बड़ा विवाद रहा कल विधानसभा के अंदर। प्रोटेम स्पीकर पूरे दिन के लिए होता है और एक्टिव स्पीकर तब तक के लिए जब तक कोई परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाते। कल इस बात को मैं बता रहा हूं, तो विवाद भी रहा। खैर, जिस विषय पर आपके साथ हूं विषय से अलग है। विषय यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है तो विधानसभा अध्यक्ष को सदन के नेता, यानी कि अगर वो लोकसभा है तो सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं और अगर वो विधानसभा है तो सदन के नेता मुख्यमंत्री होते हैं। जब लोक अध्यक्ष का चयन होता है, सभापति का चयन होता है, तो फिर सदन के नेता और सदन के अंदर विपक्ष के नेता उनको उनके आसन तक ले जाते हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों देखा होगा लोगों ने, जो हमारे दर्शक हैं आपने भी देखा होगा कि जब स्पीकर बने, स्पीकर का चुनाव हुआ लोकसभा के अध्यक्ष का, तो उनको प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों चेयर तक, सभापति के आसन तक छोड़ करके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी गए और सभापति महोदय को उनके आसन तक बिठा करके आए। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं। लेकिन जो परंपरा कल हुई, ये शायद पहली बार हुआ होगा राजनीति के अंदर कि विधानसभा के अध्यक्ष, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं अरविंद कल्याण, उनको सभापति के आसन तक छोड़ने के लिए, उनको सभापति के आसन पर बिठाने के लिए एक्टिव स्पीकर गए थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए थे। नायब सिंह सैनी के साथ जो एक्टिव स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान साहब जो बने थे, वो छोड़ करके आए उनको विधानसभा के अंदर, क्योंकि विपक्ष का नेता अभी तक तय ही नहीं हुआ। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों नहीं अपने उस भंवर जाल से बाहर निकल रही, कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर क्यों नहीं डिसीजन कर पा रहे कभी भी उचित समय पर। और अगर ये कहें कि उचित समय पर निर्णय ना ले पाने का, मैं आपको बताता चलूं, चाहे हरियाणा के लोकसभा चुनाव थे, चाहे हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, यानी कि लोकसभा चुनाव तो पूरे देश का था जिसके अंदर 10 लोकसभा हरियाणा की भी थी, दोनों चुनावों के अंदर प्रत्याशियों ने जिनको टिकट मिला उनका बड़ा दुखड़ा था, बड़ी पीड़ा थी कि टिकट एंड टाइम पर मिली, सही टाइम पर नहीं मिली, चुनावी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। आप देखें ना कि लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट का जो चयन किया कांग्रेस पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग 25 दिन बाद किया, एक महीने के आसपास बाद में किया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने फटाफट से चुनाव घोषणा होते ही अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी वेट करती रही, इंतजार करती रही और इंतजार लंबे इंतजार के बाद में अपने 9 कैंडिडेट हरियाणा में अनाउंस किए। हालांकि 5 चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कैंडिडेट कहते थे कि चुनाव प्रत्याशियों का चयन और समय दोनों उचित नहीं थे। विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ। विधानसभा चुनाव के लिए आप माने तो जो नॉमिनेशन की अंतिम तिथि थी, उस दिन सुबह 11 बजे तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर रही थी। अगर प्रत्याशी के पास में तैयारी ना हो, उसको इंडिकेशन ना हो, तो वो अपना फॉर्म भी पूरे अच्छे से दाखिल ना कर पाए, जमा ना कर पाए। आखिर सबके पीछे होता क्या है? क्या कांग्रेस को यह लगता है कि अगर कैंडिडेट लेट देंगे तो फिर भागम भाग नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, लोग पार्टियां छोड़ के भागेंगे नहीं? अरे भैया, वो तो अब भी हो गया। आपने अंतिम दिन प्रत्याशी दिए, उसके बावजूद भी आपके खिलाफ कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले सबसे ज्यादा लोग थे। चलिए, टिकट तक की बात हुई, उसके बाद बात आ जाती है विपक्ष का नेता, यानी कि जो हरियाणा के अंदर स्थिति जो कल बनी, जिन स्पीकर महोदय को, स्पीकर सर को चेयर तक छोड़ करके आना था, सभापति के आसन तक बिठा करके आना था विधानसभा में सदन के नेता और सदन के विपक्ष के नेता ने, लेकिन वो कार्रवाई एक्टिव स्पीकर को पूरी करनी पड़ी, विपक्ष के नेता का चयन नहीं हुआ।
हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन हो, इसके लिए चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को जो मतगणना हुई और 17 तारीख को जो वोट होनी थी उसके लिए 16 तारीख के दिन तय किया गया और उसके अंदर 3 मिनट के अंदर अमित भाई शाह आए और उसके साथ में जो पर्यवेक्षक थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ में सह पर्यवेक्षक के रूप में मोहन यादव थे और वहां बैठ करके 3 मिनट के अंदर तय कर दिया गया कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में सदन के नेता होंगे, जिनका नाम पहले डिक्लेयर था। और उसके एक दिन बाद फिर मीटिंग हुई कांग्रेस के विधायक दल की, 1 और 2 की जगह 3 पर्यवेक्षक आए, तीनों पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से अलग अलग राय ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक प्रस्ताव पर एक प्रस्ताव पारित हो गया, एक पंक्ति का प्रस्ताव कि विधायक दल सब कुछ छोड़ता आला कमान पर और आला कमान अब सोच रहा है किसको बनाए विपक्ष का नेता। गजब इत्तेफाक है, गजब विडंबना है। आप समय पर टिकट नहीं दे पाते, आप समय पर चुनाव मैदान में नहीं जा पाते। चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। हरियाणा के अंदर बड़ी अजीब स्थिति थी दोस्तों। विधानसभा चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनके लिए कहा जा रहा था, तमाम मीडिया कह रहा था कि बीजेपी हारी हुई बाजी लड़ रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक, जेपी नड्डा से लेकर मनोहर लाल तक और फिर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, तमाम मुख्यमंत्री, सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी से लेकर के कृष्णपाल गुर्जर तक तमाम नेता पसीना बहा रहे थे और राहुल बाबा यात्रा कर रहे थे विदेश की। चुनाव हार गए तो दोष ईवीएम पर, चुनाव अगर हार गए तो फिर दोष ईवीएम का। अगर 5 लोकसभा सदस्य चुनाव जीत जाए तो फिर सब ठीक है और हार गए तो दिक्कत, यानी कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी के साथ में दोस्तों। जब उनको हरियाणा का चुनाव के लिए विपक्ष का नेता देना था, सदन का नेता तय करना था, 3 पर्यवेक्षक आकर के 1-to-1 राय लेके गए, सजेशन ले गए अपने एमएलए की, पूछ लिया उनसे, विधायकों की जो पसंद थी बता दी, तो आला कमान फिर अपनी पसंद थोपना चाहता है और या फिर अभी इंतजार और बाकी है दोस्तों। ये सब करके जो हमारे कांग्रेस समर्थक जो दर्शक है, मेरा उनसे भी एक सवाल है कि क्या ये सब करके जिस प्रकार देर आया देर वाली कहानी जो चल रही है, क्योंकि हमेशा देर आया दुरुस्त आयात नहीं होगा, जिस प्रकार से सभी फैसले देरी से हो रहे हैं, जिस प्रकार सभी फैसले टाले जाते हैं, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा? और सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि हरियाणा के अंदर 3 बार की हार के बावजूद क्या कांग्रेस का आला कमान कोई सबक लेने को तैयार नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।